हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल रविंद्र मैथ साइंस पे स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्याओं का योग। परिमेय संख्याओं का योग कैसे करते हैं, तो सबसे पहले करेंगे हम देखना, ये नीचे माइनस हर में जो डिनोमिनेटर या हर में माइनस लगा ना, ये नीचे वाले माइनस को हम ऊपर ले जाएंगे, नीचे माइनस नहीं रहना चाहिए। तो हम इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ ऊपर और नीचे माइनस से एक से मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस एक से या माइनस से एक ही बात है वो, क्योंकि पाँच को एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाँच ही रहने वाला है। तो मैं माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का पाँच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस पाँच अपॉन ये नाइन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ से मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस माइनस प्लस नौ, तो प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो प्लस ये तेरह बटे नौ है, अब वैसे ही कर देंगे, नौ एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नौ एलसीएम, नौ का नौ में डिवाइड भाग करेंगे, नौ का नौ में भाग करेंगे एक बनेगा, एक को पाँच से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस पाँच एक हमें माइनस पाँच, प्लस नौ का नौ में भाग करेंगे तो एक, एक को तेरह से गुणा तेरह एकम तेरह। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस का पाँच है और प्लस का तेरह है, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, प्लस का तेरह है ना, तेरह में से पाँच माइनस कर देंगे, तेरह माइनस पाँच वही बात है, ये तेरह माइनस पाँच, माइनस पाँच प्लस तेरह या तेरह माइनस पाँच, तेरह में से पाँच माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, आठ, आठ अपॉन नौ। तो हमारा आंसर बना एट अपॉन नाइन या आठ बटा नौ। इसी प्रकार इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसको पाँच एलसीएम ले लेंगे, ये तो ऊपर माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं है, फाइव एलसीएम लिया हमने, क्या लिया, फाइव एलसीएम, फाइव का फाइव में डिवाइड किया तो थ्री एक आया, एक को तीन से मल्टीप्लाई, तीन एकम तीन, प्लस पाँच का पाँच में डिवाइड एक आया तो माइनस का तेरह, अब थ्री प्लस माइनस माइनस तेरह ये बनेगा, ये याद रख लेना, ये चिन्ह चेंज होंगे, क्या होंगे, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होगी, माइनस का चिन्ह आ जाएगा, तो तेरह में से दस गया तो माइनस का टेन अपॉन फाइव, तो आंसर क्या बना हमारा, माइनस का टू, टेन में फाइव का डिवाइड किया तो माइनस टू, ठीक है। तो इसी प्रकार हम एक क्वेश्चन और करेंगे, देखना माइनस का फोर अपॉन माइनस का फाइव प्लस सिक्स अपॉन माइनस का थ्री। अब इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये माइनस नीचे वाला माइनस है इसको हटाएंगे, तो ये तो क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस कैंसिल आउट होगा तो क्या बचेगा, चार बटा पाँच, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, कट जाएगा। इसी प्रकार ये अब मैं इसको ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई, तो माइनस का सिक्स अपॉन प्लस का थ्री, माइनस से करूँगा तो ये तो प्लस बन जाएगा नीचे वाला, ऊपर माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब मैं एलसीएम लूँगा इसका, लघुत्तम, लघुत्तम क्या आने वाला है इसका, पाँच और तीन का लघुत्तम आने वाला है फिफ्टीन, क्या आएगा फिफ्टीन, पाँच का फिफ्टीन में भाग करेंगे तो पाँच तिया पंद्रह, तीन को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ चार तिया बारह, प्लस तीन का पंद्रह में भाग, तीन पाँचो पंद्रह, पाँच को छः से मल्टीप्लाई, छः पाँचो तीस, किसका, माइनस का तीस, ठीक है। तो ये इसको ऊपर वाले को सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस का तीस है और प्लस का बारह है तो क्या बचेगा, अठारह बचेगा, किसका, माइनस का अठारह बटे पंद्रह, अब ये तीन से कट रहा है तो तीन से की अठारह, तीन पाँचो पंद्रह, माइनस का छः बटा पाँच आंसर आ गया, ये क्या आ गया, माइनस का छः बटा पाँच। इसी प्रकार मैं आपको एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ, माइनस का पाँच अपॉन टू प्लस थ्री अपॉन माइनस का फाइव, इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले ये नीचे वाला माइनस है इसको गायब करेंगे, इसको गायब करने ये तो माइनस का पाँच बटे दो ही रह जाएगा, प्लस अब मैं ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ इसको, क्या कर दूँ, ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई, तो माइनस का थ्री अपॉन प्लस का पाँच, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस ही रह जाएगा, और पाँच और दो का एलसीएम लूँगा तो कितना आया, दस, दस में दो का भाग दिया तो दो पंजो दस, पाँच पंजो पच्चीस, प्लस पाँच दूनी दस यानी तीन दूनी छः, किसका, माइनस का। तो अब आगे क्या होगा, आगे देखना, माइनस का पच्चीस माइनस का छः, माइनस का पच्चीस और माइनस का छः कितना होने वाला है, माइनस का पच्चीस और माइनस का छः माइनस का इकतीस, माइनस का इकतीस बटा दस, इकतीस बटा दस ये हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे या समझ गए होंगे मैंने जो बताने की कोशिश की है। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा
दोस्तों में शेयर कीजिए।